Myself Rinkesh Kumar Gupta from CLC Sikar. We will discuss caste, it means CLC admission cum scholarship test in 2019 in 10th class. Question number is 41 is, which one of the following is an odd number? So, देखो बेटा इसमें क्या करना है, 2 की पावर 2000, 1 की पावर 2 करोगे आप, तो यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की पावर कितनी भी करो आप, ऑलवेज यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होगा, तो दिस इज ऑलवेज ए ऑड नंबर, तो ऑड प्लस 3 इज इवन, सिमिलरली 2 की पावर 3 एक इवन नंबर है, इवन प्लस 10 इज ऑल्सो इवन, सिमिलरली 3 की पावर 2 इज ऑड नंबर, ऑड प्लस 7 इज अगेन इवन नंबर, एंड 4 की पावर 3 इज इवन नंबर प्लस 1 इज ऑड, सो करेक्ट आंसर इज 4. हाँ, नेक्स्ट देखो 42 क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन कोमा एम विद एन लेस देन इक्वल टू एम विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एम इक्वल टू 1 बाई एम. तो देखो उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप क्या करो उसका एलसीएम लो, तो ये आ गया एम प्लस एन अपॉन, फिर उसके बाद क्या करो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 5m प्लस 5n, इसको उधर शिफ्ट करोगे और इधर शिफ्ट करोगे तो 5mn इक्वल टू 0. अब क्या करना है इसमें, इसमें बोथ साइड आप क्या करो माइनस 25 ऐड करो, तो 5m प्लस 5n माइनस, अब देखो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन ले सकते अपन 5, तो ब्रैकेट में आ गया m माइनस 5. सिमिलरली सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन आएगा प्लस एन, तो आ गया 5 माइनस एम इक्वल टू माइनस 25. अब m माइनस 5 जब आप कॉमन लोगे तो इधर माइनस होगा, तो ये आ गया 5 माइनस एन इक्वल टू माइनस 25. उसके बाद एक माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर दो, तो इससे फाइनली रह गया ये m माइनस 5 इंटू एन माइनस 5 इक्वल टू 21. अब देखो ये m और n इंटीजर है, तो 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई 25 लाना है, तो कब कब पॉसिबल हो सकता है, तो एक तो इसमें केस होगा कि m माइनस m इक्वल टू 1 एंड 25, तो इनका मल्टीप्लाई 25 आ गया, तो उसको सोल्व करने पे क्या आ गया m 6 और n इज 30. सिमिलरली सेकंड में क्या करो, इसको आप 25 ऐड करो, इसको 1 ऐड करो, तो इसको रिवर्स करोगे तो आ गया m तो 30 होगा इससे बेटा, और n क्या होगा 6, और एक केस क्या होगा दोनों को 5 कंसीडर करो आप, तो जब दोनों को 5 कंसीडर करोगे तो इससे n और m दोनों क्या होंगे 10, क्या होंगे बेटा 10. बट तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो कितने आंसर हैं, इसके 3 ऑप्शंस, 3 आंसर्स हैं, 6.30, 30.6 और 10.10. बट इसमें कंडीशन क्या कि n m से ग्रेटर है, तो m ग्रेटर किस में, सेकेंड ऑप्शन, और इक्वल किस में, थर्ड में, तो इसके ओनली 2 पेयर्स करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल टू दी सम 1 प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 6 की पावर 100. तो देखो कैसे सोल्व करना है, ये टोटल 101 टर्म्स है, 6 की पावर 6 करोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा, इसमें भी 6 का क्यूब करोगे तो भी यूनिट प्लेस पे 6 होगा, और 6 की पावर 100 पे भी यूनिट प्लेस पे 6 होगा, और दिस इज ऑल्सो 6, तो यूनिट प्लेस पे 6 को जब ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस का सम होगा 600, और उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस का सम आएगा 601, सो यूनिट प्लेस इज 1, देन करेक्ट आंसर इज सेकंड. सिंप्लीफाई, देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट और सेकंड में 2 की पावर 2000 कॉमन लो आप, तो ये आ गया 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन, डिनोमीटर में मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 2000 6 कॉमन लोगे तो ये आ गया 1 माइनस 2 की पावर 2, इसको कैंसिल करोगे तो ओनली 2, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, देन करेक्ट आंसर इज माइनस 2, सो देन करेक्ट ऑप्शन इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है अपन को, रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो देखो क्या करना है, जब भी अपन रूट को रिमूव करोगे स्क्वायर से तो पहले इस पे मोड लगाना है, तो अपन ए माइनस बी या बी माइनस ए को दोनों को सेम ले सकते हैं, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का मोड, इसमें टू कंडीशंस हैं, इफ ए इक्वल टू बी देन आंसर इज जीरो,
एंड इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज जीरो, ये रॉन्ग आंसर है. नेक्स्ट इज नेवर जीरो, ये भी रॉन्ग है. पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए ग्रेटर देन बी, ये भी रॉन्ग आंसर है. पॉजिटिव ओनली इफ ए नॉट इक्वल टू बी, देन करेक्ट आंसर इज फोर. डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, तो डिग्री का मीनिंग क्या है कि हाईएस्ट पावर, तो इसमें वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री. तो देन करेक्ट ऑप्शन इज थ्री. ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स, इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना है आपको. तो क्या ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि इसमें जैसे x को अपन ने 1 पुट किया, तो x को 1 लेने पे क्या आ गया, 1 माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस 1, तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. बट अब अगर अपन x को पुट करते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस 6, दिस प्लस 6 प्लस 1 तो कितना आ गया, जीरो. इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 इसको क्या करता है, सेटिस्फाई. देन इट्स फैक्टर इज x प्लस 1, तो देन करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48. आपको ए और बी में एक रिलेशन गिवन है और आपको ए रेशियो वी फाइंड आउट करना है. देखो कैसे करना है, पहले आप होल स्क्वायर ओपन करो, तो ये आ गया ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी प्लस फोर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी. ये गिवन है बेटा अपन को 5/3. तो देखो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 5/3. ये किसका फॉर्मूला बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर. सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं अपन रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी. इससे एक पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया इसका, तो देन रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू आ गया 5/3. इसमें आप अप्लाई करो कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड. तो कंपोनेंटो अप्लाई करोगे तो न्यूमेटर में तो आ गया रूट टू ए, एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो डिनोमेटर में आ गया टू रूट बी इक्वल टू 5/3 इज 8/2. ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 4. तो ए अपॉन बी का रेशियो आ गया 16:1, देन करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, एक्स क्यू माइनस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले आप इसके करो फैक्टर. तो एक्स क्यू माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सिमिलरली एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या होंगे, इसको आप रिमेंबर दिस, इसको याद रखें आप क्योंकि जनरली यूज कर सकते हैं इसको. तो एलसीएम के लिए क्या करना है, देखो इन दोनों में ये वाला पार्ट तो एक बार कॉमन आ गया, तो इसको एक ही बार लिखना अपन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज लिखो उसमें. तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, एक्स माइनस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन दिस पार्ट आ जाएगा इसमें. तो एक्स 4 प्लस, तो इसका एलसीएम आ गया सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, टू इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करके एक्स वाई का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है. तो क्या करो, पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो. तो दिस पार्ट इज एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स वाई इक्वल टू आ गया बेटा 10/3. एक्स प्लस वाई अपन को 10 गिवन है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो उसको सोल्व करने पे आ गया एक्स वाई का रूट इक्वल टू 3. आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स वाई इक्वल टू आ गया 9. तो देन करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड. फोर वॉट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 1 विल बी कोइंसाइड. इसका मीनिंग क्या है कि ये टू लाइंस गिवन है आपको, ये दोनों लाइन क्या करती है, कोइंसाइड. इसका मीनिंग है कि बोथ आर ओवरलैपिंग लाइन. तो इसकी कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग x y और कॉन्स्टेंट की जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो k अपॉन 3 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2/1. तो उसको सोल्व करोगे तो बेटा k क्या आ गया 6, देन करेक्ट आंसर इज 4. इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अपन को और उसमें बोला गया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, d इक्वल टू 0. डी का मीनिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. इसमें v का मीनिंग क्या, कॉफिशियंट ऑफ x, a का मीनिंग कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर एंड c का मीनिंग कॉन्स्टेंट टर्म. तो b क्या होगा इसमें, तो b का स्क्वायरिंग करने पे आ गया 4b स्क्वायर इंटू a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी इज बी स्क्वायर प्लस
c square equal to 0. तो देखो 4 से 4 cancel, पहले इसकी squaring open करके, तो a square plus c square plus 2ac minus, इसको इससे multiply करो, a square b square plus a square c square plus b4 plus b square c square equal to 0. तो देखो क्या करना है, इससे क्या आएगा, a square b square से a square b square cancel, इससे b square c square आएगा, तो b square c square से this part cancel, और उसके बाद b square 2ac, और उधर से आ गया minus a square c square minus b4 equal to 0. तो इसको simplify करने पे आ जाएगा ये b square minus ac का whole square equal to 0. तो whole square 0, तो इससे आ गया b square equal to ac. Then correct answer is second option. हाँ, next question देखो 53 क्या कह रहा है, कि the root of the equation this part r, मतलब इस equation के अपन को root को find out करना है. तो देखो क्या करो, root 2x square minus 3x plus root 2 equal to 0. अब इसको करने के काफ़ी सारे options हैं, आप quadratic formula से भी कर सकते हो या फिर factorization से कर सकते हो. तो देखो अपन इसको factor method से करते हैं, इसके factor क्या लिखोगे, minus 2x minus x plus root 2 0, इन दोनों में common ले सकते हो बेटा root 2x, then x minus root 2, और माइनस वन कॉमन लोगे तो एक्स माइनस, और अगेन एक्स माइनस रूट टू कॉमन लोगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया रूट टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन इसको जीरो करोगे तो एक्स इज रूट टू एंड एक्स इज वन बाय रूट टू. तो एक्स इज रूट टू एंड एक्स, तो देखो एक्स रूट टू थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, बट वन बाय रूट टू को अपन क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन या रूट टू अपॉन टू. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. If 2 is a root of the equation x square plus bx plus 12 equal to 0, मतलब जो x equal to 2 है इस फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, तो x 2 अगर इस फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो अपन x को क्या पुट कर सकते हैं, 2, तो ये आ गया 4 plus 2b plus 12 equal to 0, then 2b equal to minus 16, then b equal to आ गया बेटा minus 8. फिर उसके बाद बोला गया एंड द इक्वेशन x square plus bx plus q0 has equal roots. तो सेकंड इक्वेशन के रूट इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, d इक्वल टू 0, d का मीनिंग b स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0, देन 4q इक्वल टू b स्क्वायर, b इज माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, तो 4q इज 64, देन q इक्वल टू आ गया 16, देन करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. इफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर 7 एंड माइनस 1 बाई 3, देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विल बी, आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रूट्स गिवन है, तो आपको फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस एल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 बाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करो तो आ गया 7 अपॉन 3, 3 एलसीएम लोगे तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 7, तो 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 7, देन करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. इफ a a माइनस 2 एंड 3 आर इन ap, आपको 3 नंबर गिवन है, a a माइनस 2 एंड 3 है, ये किस में गिवन है, ap में, तो अपन को a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो ap की कंडीशन क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म का डबल इक्वल टू a प्लस 3a, तो ये आ गया 2a माइनस 4 इक्वल टू 4a, then 2a equal to minus 4, then a equal to minus 2. तो correct answer is second option. Next question देखो 57. The sides of a right angle triangle are in AP. क्या given है? एक right angle triangle की जो sides है वो किसमें given है? AP में. तो अपन 3 side let करते हैं ABC. तो इससे condition क्या जाएगी? A square plus B square equal to C square, और sides आपको ABC को mention किया गया AP में. तो आप वो ऑप्शन चेक करोगे जिसमें साइड एपी में भी गिवन हो और टू साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो साइड तो ऑल ऑप्शन में एपी में, बट टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल ओनली किस ऑप्शन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का सम 25 और ये ऑल्सो 25. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. दी सम ऑफ दी फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू ए पीज आर रेशो 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, देन फाइंड द रेशो ऑफ द 11th टर्म.
तो देखो इसमें क्या करना है, आपको 2 AP गिवन है जिनके n टर्म का सम गिवन है, तो क्या करो SN अपॉन SN डैश गिवन है अपन को 7N+1/4N+27। तो देखो इसको कैसे ट्राई करना है, तो SN का फॉर्मूला N/2 2A1+N-1×D1। सेकेंड AP में अगेन N/2 2A2+N-1×D2। ये रेशियो गिवन है अपन को 7N+1/4N+27। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, N/2 से N/2 कैंसिल, फिर इसमें क्या करो दोनों में 2 कॉमन ले लो आप, तो ये आ गया A1+N-1×D1/2। सिमिलरली A2+D2/2 इक्वल टू आ गया 7N+1/4N+। ये एक रिलेशन है अपने पास। अब आपको फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ द 11th टर्म, तो अपन लिख सकते हैं T11/T11′। T11 का मीनिंग 11th टर्म A+10D/A2+10(D2)। तो आपको A1+10D1/A2+10D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका यूज करना है अपन को, तो देखो A1 A2 तो सेम है इसमें, इसको अपन को 10 क्रिएट करना है, इसको भी क्या लेके आना है 10। तो देखो n को जब आप इसमें लोगे 21, तो 21-1 = 20/2 = 10। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट n = 21, जब आप इसमें n को 21 पुट करोगे तो आ गया ना A1+10D1/A2+10D2। तो सिमिलरली आप n को 21 इसमें पुट करोगे तो अपन को इसका रेशियो मिल जाएगा 7×21+1/4×21+। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको शायद आंसर इसका 4:3 आएगा बेटा। दी फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 4, 7, and 31। हाउ मैनी टर्म्स देयर आर इन गिवन AP? आपको क्या गिवन है AP की फर्स्ट सेकेंड और लास्ट टर्म गिवन है। तो लेट AP की फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A+D एंड लास्ट टर्म इज TN। तो A आपको 4 गिवन है, A+D 7 गिवन है, तो उससे A 4 है, तो D से आ गया बेटा 3। और TN टर्म गिवन है 31। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या करो TN का फॉर्मूला है A+N-1×D = 31। तो देखो A की वैल्यू क्या पुट करोगे 4N-1 और कॉमन डिफरेंस इज 3। 4 को माइनस करोगे या सीधा डायरेक्ट कर दो 3N, 4-3 = 1 और 30। तो इससे क्या आ गया N = 10। तो इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 10। तो देन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 कैसे करना है। आपको एक AP गिवन है, तो उसमें ये एक डिक्रीजिंग AP है, तो अपन को क्या करना है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म को फाइंड आउट करना है। तो आप कंसीडर करो कि लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज TN, तो अपन लिख सकते हैं TN = 0। TN का फॉर्मूला है A+N-1×D < 0। A की वैल्यू क्या है इसमें 20+N-1 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 19/1/4 को 20 से माइनस करोगे तो कितना आ गया 77/4-20। तो इससे कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा -3/4 < 0। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ गए 80-3N+3 < 0। 3N को राइट में शिफ्ट करोगे तो इससे आ गया 3N > 83। देन N > इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया 27. तो N की वैल्यू क्या होगी 27 से ग्रेटर। तो जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा 28, मतलब N को जब 28, 29, up to 100 लोगे तो ऑल टर्म्स क्या होंगी नेगेटिव। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी बेटा 28। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। इफ़ sin²x + sin²y + sin²z = 0 देन cos x + cos y + cos z कैन नॉट टेक दी वैल्यू। आपको क्या गिवन है कि sin²x + sin²y + sin²z की वैल्यू 0 गिवन है, तो अपन को cos x + cos y + cos z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है, व्हेन ऑल 3 नंबर्स आर साइमल्टेनियसली 0। तो उसमें क्या करना है sin x = sin z, ये ऑल नंबर्स क्या होंगे 0। अब sin की वैल्यू 0 कब होती है n π पे, सिमिलरली sin y की भी 0 पे, तो इससे आ गया x = y = z = n π। इसका मीनिंग है कि जो x, y, z है वो क्या पाई के मल्टीपल्स हैं। तो देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos x + cos y + cos z। तो देखो कि x, y, z अगर पाई के इवन मल्टीपल होंगे तो cos x की वैल्यू क्या आती है 1
और एक्स अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आती है माइनस वन। इसका मीनिंग क्या है कि ये प्लस माइनस वन हो सकता है, ये भी प्लस माइनस वन और ये भी प्लस माइनस वन। तो देखो जब आप सबको प्लस लोगे तो इसकी वैल्यू थ्री आ सकती है, तो सेकेंड आंसर भी करेक्ट है इसका। किसने बोला बट कैन नॉट टेक, तो देखो थ्री आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद अगर सबको माइनस वन लोगे तो उसकी वैल्यू माइनस थ्री भी आ सकती है। आपने दो को वन लिया और एक को माइनस वन, तो इसकी वैल्यू वन भी आ सकती है। और आपने टू को लिया माइनस वन और एक को लिया वन, तो इसकी वैल्यू माइनस वन भी आ सकती है। तो ये कभी भी माइनस टू दे नहीं सकता। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन। आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल की साइड गिवन है एक्स वाई जेड, और एक साइड में रिलेशन है एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपको ट्राइंगल की टाइप फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे करना है क्वेश्चन को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या करो, इस रिलेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल टू जीरो। तो देखो इसमें क्या करो, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy को ऐड करो, तो क्या आ गया x माइनस y का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2yz को लोगे तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और लास्ट इज जेड माइनस एक्स का, मतलब इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो यही रिलेशन फाइंड आउट होगा। तो इसका मीनिंग क्या, देखो थ्री होल स्क्वायर का सम जीरो का हो सकता है व्हेन ऑल थ्री नंबर्स आर साइमल्टेनियसली जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि x माइनस वाई भी जीरो होना चाहिए एंड y माइनस जेड भी जीरो होगा एंड z माइनस एक्स भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू y इक्वल टू जेड, इट मीन्स ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, देन करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इसमें क्या करना है, देखो एज शो इन दी फिगर ए सी इक्वल टू सी डी। तो देखो कैसे एक बार डायग्राम बनाते हैं अपन, इसमें ये ए बी सी एंड डी, क्या मेंशन है इसमें, ए सी की लेंथ सी डी के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो साइड इक्वल हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि एक आइसोसेलस ट्राइंगल है ए सी डी। उसके बाद मेंशन किया गया है कि सी ए बी, मतलब एंगल सी ए बी माइनस एंगल ऑफ एंगल सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी का डिफरेंस गिवन है आपको 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एंगल बी ए डी मतलब दिस एंगल फाइंड आउट करना, लेट इज अल्फा। तो देखो कैसे ट्राई करो उसको आप, एंगल सी ए बी, तो सी ए बी तो कितना है पाई बाई टू, माइनस एंगल ए बी सी, तो ये लेट एंगल बी लेट कर दो उसको, तो बी इक्वल टू आ गए 30 डिग्री। तो इससे क्या आ गया, बी इक्वल टू 60। अब एंगल बी 60 है, ये 90 है, तो कितना आ गया 30, ये एंगल कितना आ गया 30। आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल बी ए और डी। तो देखो कैसे करोगे, ये 30 है तो ये दोनों कितने होंगे, टोटल पाई है तो 75 75, तो ये थीटा आ गया 75, ये 75 है तो कितना आ गया 15 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 64, क्या गिवन है क्वेश्चन में, इन दी गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी ए सी गिवन है आपको 40 डिग्री, और बी ई और सी डी क्या है, एंगल बाई सेक्टर बी और सी के। तो आपको एंगल डी ओ ई मतलब एक्स को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे ट्राई करोगे, पहले एक बार ट्राइंगल ड्रॉ करो, ये ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ए बी एंड सी, ये एंगल 40 है और ये इसके एंगल बाई सेक्टर है बी और सी के, दिस इज ई एंड दिस इज डी। तो एंगल एक्स फाइंड आउट करना अपन को, तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ये एंगल 40 है तो अपोजिट एंगल का सम आ गया 140, तो ये एंगल भी 70 होगा, ये एंगल भी 70, और ये एंगल अगर एंगल मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इज 140 और बोथ आर इक्वल, एंगल बी इज एंगल सी, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 70, और ये अगर एंगल वाई सेक्टर तो ये कितना होगा 35, और ये भी क्या होगा 35, ये 35 ये 35, तो ये एंगल कितना आ गया 110, ये 110 है तो ये भी क्या होगा 110, तो x से आ गया 110। तो इसका कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। थ्री पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी आर वर्टेक्स इज ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की टाइप फाइंड आउट करनी है, मतलब
एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके थ्री वर्टेक्स गिवन है एबीसी। वर्टेक्स ए गिवन है -4,0 और वर्टेक्स बी गिवन है 4,0 और सी इज 0,3। तो आपको ट्राइंगल की टाइप चाहिए, तो क्या करो आप, ए बी साइड की लेंथ क्या होगी, ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 4-4, तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ए बी तो आ गया इससे 8। ए बी के बाद बी सी क्या होगा, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो देन बी सी आ गया 5। सिमिलरली ए सी बी क्या आ गया 5 और ये कितना 8, तो इसमें क्या है, टू साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, आपको 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, पॉइंट ए गिवन है 2,3, पॉइंट बी गिवन है 5,k और पॉइंट सी गिवन है 6,7। इनको बोला गया कि ऑल थ्री पॉइंट्स आर कुलिनियर, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है इसमें, कि अगर ऑल थ्री पॉइंट्स कुलिनियर, तो आप लिख सकते हो कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम होगा। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, k माइनस 3/5-2 इक्वल टू 7-k/6-5। तो इसको सोल्व कर दो आप, तो 6-5 इज 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 है, तो 7 × 3 = 21 - 3k, तो ये आ गया 4k = 24, तो इससे k क्या आ गया 6। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 67 क्वेश्चन क्या है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर और लेटरल साइड एंड बेस का रेशियो गिवन है 5:4, तो क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो कैसे ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, लेट एक सिंपल सा आइसोसेलस ट्रायंगल लेट करो जिसका बेस एक्स है और इक्वल साइड लेट इज वाई। तो अपन को गिवन क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब ऑल सम ऑफ ऑल साइड, 2s = 14, तो इससे एस तो 7 आ गया और 2s का मीनिंग सम ऑफ साइड, तो x + 2y = 14। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि जो लेटरल साइड और बेस है उसका रेशियो गिवन है y/x = 5/4, तो उसको सिंपलीफाई करो आप, तो आ गया x/4, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 को डिवाइड में, इसको आप रेशियो के लेट करो, तो इससे x को पुट करो 4k एंड y को पुट करो 5k, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, 14k = 14, देन k = 1, k को जैसे ही 1 पुट करोगे बेटा, तो x क्या होगा 4 और y क्या होगा 5, तो ये साइड क्या होंगी 4, 5 एंड 5, तो एरिया क्या होगा, हीरोज फॉर्मूले से (δ = s(a)-b)(s-c)), तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा इज रूट ऑफ, देखो s क्या 7, s-4 = 3, s-5 = 2 एंड अगेन ऑल्सो 2, तो 2 और 2 का रूट लोगे तो क्या होगा 2 और 7 × 3 = 21, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड है 6 और ये इसका क्या सर्कम सर्कल, तो इसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये सेंटर है दोनों का, तो सेंटर को दोनों वर्टेक्स से ज्वाइन करो बी सी से, तो अपन को ये आर फाइंड आउट करना है, ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पे, तो ये 6 है, तो इसका मतलब ये भी 3 है और ये भी 3, ये एंगल कितना होगा इक्विलेटर में 30 डिग्री, तो अपन लिख सकते हैं cos 30 = 3/r, cos 30 की वैल्यू क्या लिखोगे, √3/2 = 3/r, तो इससे r आ गया 6/√3, देन r = 2√3, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दी गिवन फिगर, एक सर्किल गिवन है इसके अंदर एक जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये शेडेड पोर्शन क्या है, एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/2 r² θ, तो 1/2 r = 1 और थीटा क्या होगा इसका, दिस पार्ट, ये एंगल अगर 60 है तो 120 का मीनिंग 2π/3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एरिया आ गया π/3, तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन। इन दी गिवन फिगर कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट दी सेंटर, मतलब एक कॉर्ड है जो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है 90, जिसकी रेडियस गिवन है 4, तो अपन को शेडेड एरिया
फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है और ये इसकी कॉर्ड है ए बी, ये एंगल 90 है, तो अपन को दिस पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो इसकी रेडियस क्या 4, तो ये जो ये कंप्लीट पार्ट है क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 1/2, आर इज 4, तो दिस इज 16, और थीटा क्या है इसका, पाई बाई 2, तो ये आ गया 4, तो 4π, तो इस टोटल पार्ट का एरिया क्या है, 4π। तो इस 4π में से क्या करो, इस ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, ये बेस या हाइट, तो 4 × 4, तो ये आ गया अपने पास 8, तो इसका एरिया 8 है। तो टोटल में से माइनस करोगे तो क्या आ गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 4π - 8, तो इसमें से 4 कॉमन लोगे तो π - 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4π - 2 इज सेकेंड ऑप्शन आंसर। 71 क्वेश्चन देखो, टेन थीटा गिवन है आपको AYV और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या करो उसको आप टेन थीटा में कन्वर्ट करो, तो न्यूमेटर डिनोमेटर से क्या करो, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो आ गया 1 + 10θ / 1 - 10θ, और 10θ की वैल्यू पुट करोगे 1 + AYV / 1 - तो उसको सोल्व करो तो क्या आ गया, B + A / B - A, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर। आपको क्या cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करो उसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसकी क्या होती है 1/√2, और sin 60 की √3/2 एंड अगेन 1/√2, तो 2√2 कॉमन लोगे तो आ गया 1 - √3/√2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 cm अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 cm, क्या बोला गया इसमें, एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 6 और इसके सेंटर से 8 cm की डिस्टेंस पे एक पॉइंट गिवन है, ये लेट इसका सेंटर O है और ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस क्या गिवन है 8 और इसकी रेडियस क्या 6, तो अपन से क्या पूछा गया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मीनिंग, इस पॉइंट से जब आप इस पर एक लाइन ड्रॉ करोगे जो टच दी सर्किल, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, तो आपको ये पी टी फाइंड आउट करनी है, तो ये एंगल कितना 90, तो ये एंगल 90 है, ये 8 है, तो 6 है, तो कितना आ गया √64 - 36, तो उसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा, √464 में से 40 - 6 = 8, 4 तो 2, तो √28 का मीनिंग 2√, क्योंकि उसको लिखोगे 4 × 7, तो 2√7, तो इसका कौन सा आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक डायग्राम गिवन है जिसमें पी क्यू और क्यू आर टेंजेंट ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ और फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब ये एंगल अपन को फाइंड आउट करना है, देखो कैसे ट्राई करोगे, ये ठीक क्वेश्चन है। तो पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करो आप, इस पर ये 2 टेंजेंट्स हैं, ये क्यू है, ये पॉइंट आर गिवन है और ये पॉइंट पी गिवन है, ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90, और ये सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट गिवन है एस, जिसको इन दोनों पॉइंटों से ज्वाइन किया गया है, ये एंगल कितना है 20, तो अपन को एंगल एक्स दिस पार्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, ये एंगल इसमें 50 है, ये एंगल 90, तो ये पी ओ आर क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इन दोनों का एंगल का सम भी क्या होगा 180, तो ये 50 डिग्री है तो कितना आ गया 130 डिग्री, और ये पढ़ा हुआ है अपन ने कि कोई भी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है, तो ये 130 है तो कितना आ गया 65 डिग्री। तब देखो कैसे ट्राई करना है इसको, ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम, ये लेट थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो देखो ये जो ट्राइंगल है एस आर पी, तो इन ऑल एंगल का सम क्या होगा
180, तो देखो ये थीटा, ये थीटा, ये एंगल 130 है, तो ये एंगल कितने होंगे, ये टोटल 2 थीटा प्लस 130 आ गया से पाई, तो 2 थीटा कितना आ गया 50 डिग्री, तो थीटा आ गया 25 डिग्री। मतलब ये एंगल 25 है, ये भी 25 है, और ये एंगल अपन लेट कर देते पाई माइनस एक्स, सॉरी ये टोटल 90 है ना, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये 65 प्लस 20 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस थीटा इक्वल टू आ गया पाई। तो देखो थीटा तो अभी कितना आया था इससे, क्योंकि ये 130 था, तो 25 आ गया था, तो 25 25 50, 50 और 65, ये लो 65 20 50 प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू पाई। तो देखो 70 160, और 160 में 65 ऐड करो तो आ गया 5 225, तो ये टोटल आ गया 225। एक्स को उधर शिफ्ट करोगे तो इससे आ गया 225 डिग्री अपॉन 180, तो इसको सोल्व करने में कितना जाएगा 45 डिग्री, तो इससे एक्स आ गया 45 डिग्री। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। इफ द इन दी गिविन फिगर या इन दी गिविन डायग्राम पी क्यू एंड आर एस आर कॉमन टेंजेंट ऑफ टू गिविन सर्किल्स विथ सेंटर सी एंड डी, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आर एस डी सी। तो देखो क्या करना है इसमें, एक ट्रेपीजियम बना हुआ है आर एस सी डी, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, सी आर एंड डी एस, तो अपन लिख सकते हैं 1/2 सी आर प्लस डी एस इनटू, और इनकी हाइट इज आर एस। तो देखो इसमें कैसे करोगे, ये लेंथ 4 है, ये 9 है, तो ये ड्रॉ करोगे आप, ये 4 है तो ये भी 4, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 12, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 है तो ये भी क्या होगी 12। तो देखो लिख सकते हैं अपन 1/2 सी आर क्या 4, क्योंकि रेडियस इसकी, और वो कितना हो गया 9 इंटू 12, तो ये तो 6 हो गया, तो 13 इंटू 6, तो इसका आंसर आ गया 78। तो इसका करेक्ट आंसर इज 4 ऑप्शन। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 10, इफ द ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 3 देन मीन ऑफ द न्यू नंबर। तो आप क्या करो, लेट 5 नंबर लेट करो x1 x2 और x5, तो उनका मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x5 बाई 5 इज 10, तो इससे क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस मतलब इन 5 नंबर का सम आ गया 50। अब क्या बोला गया कि ईच नंबर में आपने 3 माइनस कर दिया, तो जो न्यू नंबर है उनका मीन लिखना है अपन को, तो उनका मीन देखो क्या होगा, न्यू नंबर क्या होंगे, x1 माइनस 3, x2 माइनस 3, x5 माइनस 3, तो इसको लिख सकते हैं अपन x1 प्लस माइनस 15, क्योंकि 3 को 5 टाइम्स आपको माइनस करना है, अपॉन अगेन 5, तो इसका सम कितना है 50, 50 माइनस 5 इज 35 अपॉन 5 इज 7, इसका मीन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। क्या गया मैंने क्वेश्चन में, दी एलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। तो देखो आप क्या करो, इसमें n नंबर लेट करो x1 x2 x3 एंड xn, तो उनका मीन क्या लिखोगे, इसको डिनोट कर दो x बार से, तो उनका मीन आ गया x1 प्लस xn अपॉन n, तो इसे लिख सकते हैं अपन nx बार इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। अब आपको क्या करना है, एलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो देखो डेविएशन का एलजेब्रिक सम क्या होगा, डेविएशन का मीनिंग क्या है कि मीन में से आपको ईच नंबर को सेपरेट करना है, तो क्या जाएगा x बार माइनस x1 प्लस x बार माइनस x2 डॉट 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 x बार माइनस xn। तो देखो x बार को कितनी बार ऐड किया अपन ने, n टाइम्स, तो क्या आ गया n x बार माइनस x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, तो इसकी वैल्यू क्या है nx बार, तो nx बार माइनस nx बार, तो इसका एलजेब्रिक सम क्या आ गया 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। हाँ ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल 8। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, सिंपल स्पेस फाइंड आउट करोगे। तो देखो टू डाइस को रोल करना है, तो टू डाइस को रोल करने पे टोटल सिंपल स्पेस क्या होगा, 6 इंटू 6 मतलब 36।
क्योंकि ईच डाइट पे 6 डिजिट होती है 1 to 6, तो उनका टोटल सैंपल इसमें जाकर 6 into 6। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग फेवरेबल केस, प्रोबेबिलिटी किसकी बताने की, बोथ नंबर आर डबलेट, डबलेट का मतलब बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो दोनों डाइस पे 1-1 आ सकता है, दोनों पे 2-2 आ सकता है, दोनों पे 3 आ सकता है और दोनों पे 6, तो टोटल कितने केस होंगे, 6 केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 6/36 = 1/6, उसका करेक्ट आंसर जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, क्या करना है आपको, 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन कौन सी होती है, 11, 12 और जैक, किंग और क्वीन को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो देखो सैम्पल स्पेस क्या है कि 52 कार्ड में से अपन को वन कार्ड का क्या करना है सिलेक्शन, तो क्या आ गया 52 वे, किसी भी को एक को ले सकते हैं अपन। और फेवरेबल केस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या 12 और सेलेक्ट कितनी करनी है एक, तो 12 केसेज होंगे टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ गया 3/13। तो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्या मीनिंग है इसका, कि आपने दो डाइस को एक साथ थ्रो किया तो उन पे जो डिजिट है उनका सम क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो तो सैम्पल स्पेस तो क्या होगा 6 into 6, अब टू डाइस को थ्रो करोगे तो सम परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है भाई, टोटल सम क्या आ सकता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम क्या आता है 12, तो 1 और 12 के बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1, 4 and 9। तो देखो टू डाइस को जब आप थ्रो करोगे तो उनका सम कभी बना सकता है क्या, नो, 4 कब आ सकता है उनका सम, जब आप 1,3 लोगे, 2,2 लोगे या 3,1 लोगे, तो केवल 3 ऑप्शन है जिससे सम क्या आ सकता है 4, और सम 9 कब आ सकता है, देखो 1 के साथ 6 नहीं ले सकते, 2 के साथ नहीं ले सकते, 3 के साथ 6 ले सकते हैं, उसके बाद 4 के साथ 5 ले सकते हैं, 5 के साथ 4 ले सकते हैं और 6 के साथ 3, तो कितने केस होंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल फेवरेबल केस क्या होंगे 7, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी 7/36, उसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन।